ग्राम पंचायत भंडेरा के सरपंच खेमे ढाले ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनेक जनहित कार्यों की वजह से बढ़ती जनाधार को देखते हुए गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद की राजनीति लोकप्रियता को ठेस पहुंचाने के लिए केदार देवांगन द्वारा कोरे कागज में हस्ताक्षर कराकर कर्मठ जमीनी कार्यकर्ताओं के इस्तीफे की बात करते हुए दुष्प्रचार कर रहे हैं, जबकि ग्रामीण किसी भी तरह के पार्टी विरोधी अनैतिक कार्य में शामिल नहीं है और पार्टी छोड़ने की बात ही नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्य से संतुष्ट है। बल्कि उनका कहना है, मुख्यमंत्री ने किसानों के बेहतरीन के लिए सराहनीय कार्य किया है, परंतु विपक्ष के लोगों को यह बात सहन नहीं हो पा रहा है और इस तरह की कूट चना कर स्थाई आदमी और कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। 122 लोगों से संपर्क किया तो ये सभी ने कहा कि हमने कहीं कोई इस्तीफा नहीं दिया है। और रही सवाल केदार देवांगन की बात, तो हमने एक माह पहले उनकी पार्टी के खिलाफ कई काम उनकी उल्टा सीधा देखा। उनकी पार्टी गतिविधि गलत होने के कारण कभी विधायक जी को अनर्गल बात बोलते थे, कभी दो तीन दिन पहले हमारे क्षेत्र जिसमें गांव भंडेरा आता है वहां के हमारे कार्यकर्ता केदार देवांगन के द्वारा लोगों से फर्जी हस्ताक्षर करवाकर स्कूल के संबंध में ज्ञापन है करके उसमें हस्ताक्षर करवाकर न ही ब्लॉक संगठन को न ही जिला संगठन के अध्यक्ष को मुखिया को इस इस्तीफा के बारे में कोई जानकारी दिया गया, न उनको पत्र दिया गया और सीधे मीडिया में प्रेस में किसी अन्य के माध्यम से जो स्वयं कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं उसके माध्यम से मीडिया में प्रचारित प्रसारित किया जाता है कि 122 लोग कांग्रेस छोड़ चुके हैं। ये दुर्भावनापूर्ण कार्य है और कृत्य है। मैं समझता हूँ राजनीति साफ सुथरी होनी चाहिए। यदि उनको राजनीति करना है तो मैदान में आए और उस हिसाब से अपनी बात रखें। हमारे ग्राम के भोले भाले जनता को गुमराह कर गलत ढंग से हस्ताक्षर कराया गया है कि कांग्रेस से इस्तीफा दिएगा, कि जबकि वो बात नहीं है। सभी लोगों के पास संपर्क किया गया तो बताया कि कोरा कागज में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी का मांग करने के लिए कलेक्टर महोदय जी के पास जाना है और दस्तखत करके बोले हैं और गुमराह करके दस्तखत कराए हैं। और जो पार्टी से इस्तीफा वाली बात जो लिखे हैं पूर्णतः गलत है। भूपेश सरकार के कार्य को देख नहीं पा रहे हैं लोग और ये गलत हथकंडा अपना रहे हैं लोग। बालोद से दीपक देवांगन, सीजी विजन टीवी।